अगर आप एक इंडियन पाइपिंग सेक्टर का अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। बात करें इंडिया का तो 2015 से लेकर 2020 तक जो पाइपिंग सेक्टर का ग्रोथ था वो था 10% के आसपास, और आगे आने वाले 5 साल में 2021 से लेकर 26 तक ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है जो 12-14% ग्रोथ आगे आने वाले 5 साल के अंदर आ सकता है। बीते हुए 5 साल के अंदर पाइपिंग सेक्टर का जो शेयर है उसके अंदर रिटर्न देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा डिमांड मार्केट के अंदर है। तो आगे आने वाले सालों के अंदर 12-14% ग्रोथ हो सकता है तो पाइपिंग सेक्टर के जो शेयर है उसके अंदर कितना बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, और कंपनी यहाँ पे पीवीसी रेजिन मैन्युफैक्चर के मामले में यहाँ पे लीडिंग कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। उसी के साथ कंपनी यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स के मामले में। कंपनी का प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे जो 60% रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं वो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स के अंडर, और 40% कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो पीवीसी रेजिन के अंदर आता है। इंडिया के अंदर कंपनी का 900 से भी ज्यादा डीलर मौजूद है, और रिटेलर्स की बात करें तो वो 21,000 से भी ज्यादा दिखाई देगा। कंपनी का मार्केट का रिसेंट कंडीशन में 12,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, एंड पीई के हिसाब से कंपनी 13 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का आरओसी बहुत ही अट्रैक्टिव है जो 35% दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो मीडियम पीई है वो कंपनी का 20 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिसेंट कंडीशन में कंपनी का पीई है करीब 13 के आसपास। तो इसीलिए पिछले 5 साल से का कंपेयर करेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट कंडीशन में भी कंपनी के अंदर आप एंट्री मार सकते हैं। कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल देखेंगे तो लगातार ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी ग्रो की मोमेंटम के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी के अंदर पॉजिटिव बात करें तो कंपनी के जो कर्जा है वो एकदम ना की बराबर है, तो कंपनी का जो आप कर्जा है इसको आप डेट फ्री मान सकते हैं। कंपनी आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर अच्छा रिजल्ट देगा ये कंपनी का अंदाजा लगाया जा रहा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में करीब करीब यहाँ पे 25% से भी ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, तो ये भी कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव बात है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे जो नेगेटिव बात आप एक देख पा रहे हैं वो है कंपनी का सेल ग्रोथ के मामले में कंपनी उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए है कंपेयर टू अदर कंपनीज, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार खा जाता है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। लेकिन इंडिया के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है, आगे आने वाले जितना भी प्रोजेक्ट कंपनी रनिंग करता रहेगा, जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इससे लग रहा है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी को सेल ग्रोथ के मामले में भी एक पॉजिटिव साइड दिखाई देगा आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को आप देखते हैं तो 2010 में कंपनी 1500 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते हुए 3500 तक पहुंच गया है 2021 में, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 132 का हुआ करता था, वो बढ़ते हुए 728 करोड़ का पहुंच गया है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी अच्छा ग्रो किया है, सेल के मामले में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई। तो अभी बात करते हैं कंपनी के ऊपर कर्जे का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनी के ऊपर सितंबर के अनुसार यहाँ पे कर्जा करीब ना के बराबर है, तो 30 करोड़ माइनस सा कर्जा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से कंपनी के पास 3000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे सो रिजर्व कैश वो मेंटेन करते हुए कंपनी दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे वह है 0.01%, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो उस हिसाब से फिनोलेक्स इंडस्ट्री एज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ही जो प्रॉब्लम कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है वो सेल के मामले में, तो कंपनी सेल के मामले में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाता है तो कंपनी के अंदर आप जरूर निवेश कर सकते हैं। अभी भी कंपनी के अंदर निवेश करने के लायक दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप फिनोलेक्स इंडस्ट्री आपको पसंद आता है तो अपना रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।